है। साइड में कहीं जगह नहीं मिली इसलिए भीग गया। जाओ जाओ जल्दी कपड़े बदल लो। माँ कॉफी चाहिए थी। अरे वही रखा है टेबल पर। आ रही हूँ। ए तुम यहीं बैठे हो, दरवाजा खोल सकते हो ना, सुनाई नहीं देता क्या? तुम भी ना। अरे आ रही हूँ कहा ना, कितनी बार बेल बजाओगे? अब तुम भी कर आई हो, सर्दी सरदर्द बोलकर मेरी जान मत खाने लग जाना। पापा से छाता मंगा लेना चाहिए था ना। तुम्हारे पापा का ही बढ़ावा है कि ऐसे जबान लड़ा रही हो। इसको देखो चेयर पे अकेले अकेले बैठ के कॉफी पी रहा है। माँ फ्लास्क खाली पड़ा है। तेरी कॉफी भी तो उसी में रखी थी। ए वासु सारी कॉफी तूने पी ली क्या? नहीं माँ मैंने अपनी ही कॉफी पी है। मेरी कॉफी तूने ही पी है ना, मुझे मेरी कॉफी दे। हे कॉफी पे तेरा नाम लिखा हुआ है क्या? चल जा। दे मुझे मेरी कॉफी दे। कॉफी दे मेरी। अरे कॉफी के लिए झगड़ा क्यों कर रहे हो, मैं दूसरी बना देती हूं। मुझे मेरी कॉफी चाहिए। मेरी कॉफी मैं क्यों लूं? मुझे मेरी कॉफी चाहिए। गिर जाएगी, गिर जाएगी कॉफी। अरे कॉफी चाहिए ना तुझे तो तमीज से मांग ना, ऐसे उछल कूद क्यों मचा रही है? ये ले। अरे कहां तुम लोग घर पर रहते हो तो ऐसे ही परेशान करते हो, शांत नहीं रह सकते तुम लोग? चलो माँ मैंने चलो, दरवाजा खोलो। ये सब तेरी वजह से हुआ है, तेरी वजह से हुआ, तेरी वजह से हुआ, तेरी वजह से। हे भाई माँ सुनो, तुम लोग घर के अंदर चिल्लाते हो तो हम लोगों को दिक्कत होती है, अब तो रोड पर ही आ गए। बिना परमिशन के चिल्ला रहे हो, पुलिस आके लेके जाएगी तुम्हें। सुनो बेटी तुम एक लड़की हो फिर भी तमीज नहीं है, एक मर्द की तरह उसके साथ झगड़ा कर रही हो, ये कोई लड़की है या फिर कोई चुड़ैल है? हेलो ये सब अपने घर पर जाकर बोलिए, दूसरों को बोलना बंद कीजिए। मैं समझे बोल रहा हूँ, तुम्हारे घर के अंदर तो नहीं बोल रहा ना। अच्छा हमारी बात छोड़िए, उस दिन रोड पर खड़े होकर आपकी बीवी बोल रही थी ना उस घर में मत जाओ मत जाओ, उस बात पर आपने गौर किया? ये क्या बोल रही है जी? अरे तुम चुप करो, ये मेरी लाइफ है, वाइफ है। अरे अरे इसका मतलब आपकी दूसरी वाली है क्या? अगर मुझे टॉप खरीदना होता है तो मैं अपनी बीवी से पूछकर ही खरीदता हूँ, अगर ऐसा कोई आइडिया होता तो मैं अपनी बीवी को बताता। तुम्हारे पास ऐसा भी एक आइडिया है क्या? मेरे अलावा और कोई चाहिए? जब से मेरी शादी हुई है सिर्फ तुम्हारे हाथों से मार खा रहा हूं। ठीक है तो चलो उसे ही कंटिन्यू करते हैं। चुगली कर रही हो, बता रहा हूं तुम्हें। ए देवी इतना शोर क्यों हो रहा है? पता नहीं माँ, पड़ोस के आंटी अंकल यहाँ पे झगड़ा कर रहे थे। झगड़ मेरे मम्मी पापा के बीच में इन्होंने झगड़ा लगा दिया। तुम लोग नहीं रह सकते ना, अरे घर का हाल लिखते रहेंगे, नाटक देखिए अपने बच्चों का, इतना गला फाड़ रही हूँ आपको सुनाई नहीं देता? अरे तुम्हारी परेशानी क्या है? ओहो ये हमेशा होने वाली बात है ना, मेरे कहने से क्या मानेंगे वो लोग? अच्छा कहाँ है वो लोग? बाहर खड़े हैं, जाकर देखे। किधर है वासु? वासु मैं ऊपर फाइल देख रहा हूँ पापा। अरे देवी पापा मैं पढ़ रही हूँ, ऐसा नहीं हो सकता, अभी यही थे ये लोग। तुम बोल रही थी यहाँ पर है, आवाज तो अंदर से आ रही है। नहीं जी अभी यही थे। तुम्हें कोई काम धंधा नहीं है, बच्चों से झगड़ा नहीं करोगी तो तुम्हें नींद नहीं आएगी। अरे वासु माँ रात का खाना बना लिया क्या? हाँ मजे से खाना। ए कीर्ति, कीर्ति चलो उठो। कीर्ति ओहो माँ ऐसा क्यों कर रही हो? उठने का वक्त हो गया है, कितने अच्छे से गांव के खेतों में गाना गाकर डांस कर रही थी। अभी भी खुद को 10 साल की बच्ची समझा है? जल्दी नहा के रेडी हो जा, तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। फिर से शुरू कर दिया ना, किससे पूछ कराने को कहा? और किसको पूछूं? मुझसे पूछना था ना, मैं बोल रही हूँ ना मुझे शादी नहीं करनी, थोड़े दिन रुक नहीं सकती। तुझे लेकर मैं कितनी तकलीफ झेल रही हूँ मैं जानती हूँ, इस घर में कोई मर्द नहीं है, मेरी बात समझा कर। ये बात कितनी बार दोहराओगी, अपना डायलॉग बदल लो, बोर हो गई हूँ मैं। सुन हमारे सारे रिश्तेदार आए हैं, तू जल्दी से तैयार हो जा, समझी ना? ठीक है तुम जाओ मैं आती हूँ। सुबह सुबह दिमाग खराब कर दिया। अरे भाई लड़की को बुलाइए। अरे सुनिए लड़की को बुलाइए, एक दूसरे को पसंद कर लेंगे तो बाकी काम से ध्यान देंगे। सबको कॉफी दो बेटी, लीजिए लीजिए। गरम गरम बेटा।
क्यों भाई, अच्छी लगी ना? गिलास थोड़ा बड़ा होता तो और भी अच्छा होता। सही कहा भाई, अगर बड़े बर्तन में देते तो घर ले जाकर गरम करके पीते रहते। मैं लड़की की बात कर रहा हूँ, तुम कॉफी की बात कर रहे हो? मुझे तो बहुत पसंद है, अब जल्दी से फर्स्ट नाइट कर लो। इसका हुलिया तो देखो, फर्स्ट नाइट की बात कर रहा है, बहुत चालाक है। बेटी तुम्हें पसंद है क्या? मुझे पसंद है, लेकिन मैं अकेले में बात करना चाहती हूँ। बेटा तुम बात करना चाहोगे? कैसे आंखें फाड़-फाड़ के दिख रहा है, देखो तो। तूने कहा ना तुझे पसंद है, तो अकेले में बात क्यों करनी है? नो प्रॉब्लम आंटी, आपकी बेटी मुझसे अकेले में बात करना चाहती है, उसे क्यों रोक रहे हो? जो भी मुझे देखता है यही बोलता है। देख लिया ना? मैं पसंद हूँ क्या? ओ यस, इसलिए तो आपके पीछे दौड़ कर आया हूँ। मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? हाँ जरूर पूछिए। नायग्रा फॉल्स जानते हैं? या उसमें आप डुबकी मारकर मुझे मोती लाकर देंगे क्या? नायग्रा फॉल्स में मोती कहाँ से आ गया? जिस लड़के से मैं प्यार करती हूँ ना, उसने निकाल कर दी क्या थी। कहा किसी से प्यार करती हो? हाँ। चाहे कितनों से भी प्यार कीजिए, लेकिन शादी मुझसे कीजिए। पसंद नहीं है ऐसा मत बोलिए, मेरी इज्जत की वाट लग जाएगी। आप मुझे बहुत पसंद है। प्रॉब्लम क्या है कि मुझसे जो भी प्यार करते हैं ना, वो बहुत बड़े गुंडे हैं। गुंडा? अरे मैं खुद एक बहुत बड़ा गुंडा हूँ, बाकी सब बाद में। ऐसी बात है क्या? ये तो बहुत खुशी की बात है। वैसे आप पंजाब बकरी को जानते हैं ना? पंजाब बकरी? हाँ हाँ वही, उन्होंने पंजाब में 12 खून किए हैं। उनके और मेरे बीच 3 साल से चक्कर चल रहा है। क्या कहा, 3 साल से चल रहा है? हाँ बिल्कुल। वैसे वो पान पराग रवि है ना? हाँ हाँ। उनके साथ 2 साल से। हा? उसके बाद तलवारबाजी, कालू शंकर, इन सबको आपको ही संभालना होगा। हा? वैसे इन सबको संभाल ही लेंगे आप, बहुत बड़े गुंडे जो हैं। आप मजाक कर रही हो, मुझे नहीं पढ़ना इन सब झमेलों में, और ना ही तुमसे शादी करनी है। अरे जाइए। सुनिए, मुझे आप बहुत पसंद हैं। अरे क्या पसंद हूँ, पहले मेरी कब्र खुदवा दो और फिर बोल रही हो पसंद हूँ मैं। पापा मुझे लड़की पसंद नहीं है। मुझे तो बहुत पसंद है, ये देखो 4th ग्लास पी रहा हूँ। आप अभी तक कॉफी से बाहर नहीं आए, मुझे लड़की पसंद नहीं है। अरे अरे क्या हो गया? अरे चलो चलो, अभी फर्स्ट टाइम की बात कर रहा था, अभी बोला है लड़की पसंद नहीं है, क्या हो गया? इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कभी बोलते हैं पसंद है, कभी बोलते नहीं पसंद, पता नहीं क्या हुआ। हेलो सर, एक मिनट। हाँ ये लीजिए, आपने कॉफी मांगी थी ना, गरम करके पी लीजिएगा। ठीक है। वैसे इसमें से अपने बेटे को भी थोड़ा पिला दीजिएगा। ठीक है, पिला दीजिए। इसे ये लो पकड़ो, अकल नहीं है क्या तुम्हें? चलो। अरे फ्री में कॉफी मिल रही थी। आखिर तेरे मन में क्या चल रहा है? हाँ वो क्या है ना माँ, सुजाता को फोन करने की सोच रही थी मैं। क्या है ये, घमंड है? जो भी लड़का आता है तो उसे देख के ही भगा देती है, ये 27वां दूल्हा था। काउंटिंग ठीक तो है ना माँ? तूने मुझे क्या समझ के रखा है? इस वक्त मुझे शादी बिल्कुल नहीं करनी। ओके। मैं लोगों को खाना पका कर नहीं दे सकती, कहीं और ले जाकर छोड़ आइए, यहाँ ये लोग नहीं रह सकते। ये लोग घर में नहीं रहेंगे, बोलने वाली तुम कौन होती हो? अब तुम इस घर में नहीं रहोगी, छोड़िए। मेरी बीवी के घर वाले कोई अमीर लोग नहीं है, ये गरीब घर की लड़की है, तकलीफ उठा के भी संभाल लेगी, घर चला लेगी, यही सोच के शादी कर ली। लेकिन अभी मेरे माँ बाप को ही घर से बाहर निकालने को बोलती है। तुम्हारी तकलीफ है मैं जानता हूँ, लेकिन इतनी बड़ी है ये नहीं जानता था, शादी के बाद ऐसा भी होता है क्या? मैंने भी एक लड़की से प्यार किया था, अगर उसे मैंने शादी कर ली होती ना भाई, तो जिंदगी एकदम मस्त होती। हाल तो मैं लोगों की बातें सुन के अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली मैंने। अरे चुप रहे यार, बस बेवजह की बात मत करो, मैंने भी लव करके ही शादी की है। आपकी बीवी तो अभी प्रॉब्लम कर रही है, लेकिन मेरी वाइफ फर्स्ट नाइट खत्म होते ही फर्स्ट वीक में मेरे माँ बाप को ही भगा दिया। एक्सक्यूज मी, आफ्टर द ब्रेक है? घर वाले शादी कराएं तो ऐसा होता है, लव करके शादी करो तो ऐसा होता है, यार तो फिर शादी कैसे की जाए? बस
धोखेबाज के साथ शादी करने से जिंदगी खराब ही होती है, दिल से पूछकर शादी करने से जिंदगी खुशहाल होती है। एक्सक्यूज मी आफ्टर द ब्रेक। अरे यार कौन है ये? बॉस बोल रहा है, ब्रेक बोल रहा है, एक नंबर का बेवकूफ लगता है। hey, देखने में तो बेवकूफ लगता है लेकिन बात एकदम सही कह रहा है। रुक जा। हेलो बॉस, आप कुछ कह रहे थे ना, इस तरह से कहिए ना कि हमें समझ में आए। एक्सक्यूज मी। हाँ रुक जाना। गुड क्वेश्चन बॉस, खुद के बारे में क्या बोलूं? अगर सच कहूं तो एक लड़की की हाइट, वेट, आगे की सूरत, पीछे की सूरत, चलने का ढंग और रवैया, सिर्फ इतना ही दिखाई देगा। सिर्फ इसे देखकर कोई गिर गया तो बाद में वो अपनी जिंदगी में ऊपर नहीं उठ सकता। लेकिन जो दिल है कभी झूठ नहीं बोलता। एक लड़की पहली ही झलक में अपने कैरेक्टर को छुपा लेती है, और अगर तुम्हें पसंद आ गई तो सालों साल तुम्हें खुशी से रखेगी। उस तरह की लड़की के लिए हम भी कुछ कर सकते हैं बॉस। इसकी वो किस्मत नहीं है लेकिन तुम्हारी वो किस्मत है। जब भी मौका मिले तुरंत पकड़ लेना चाहिए, लाइफ बहुत खुशी से रहेगी। ओके, फिर हम अगले कार्यक्रम में मिलेंगे। एक्सक्यूज मी। अपनी आप पर भरोसा मत करो वरना तुम खुद से धोखा खाओगे। अपने दिल पर भरोसा करो, धोखा नहीं खाओगे। ये बोल रहा है, ऐसा हो सकता है क्या? यार अगर सच में ऐसा हो जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। हे, तुम जो कर रही हो वो गलत है। तुम्हारी माँ को कितनी तकलीफ होती है पता है तुम्हें? कितना? किलो के हिसाब से, टन के हिसाब से? मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। अगर लड़का अच्छा है तो शादी कर लो ना। अच्छा लड़का? और वो लड़की पसंद है ये पूछने पर तुरंत वो फर्स्ट नाइट की बात करने लग गया। ठीक है, तो तुम्हें कैसा लड़का चाहिए? तो नहीं जानती है यार, जब मेरे पिताजी का देहांत हुआ तब मेरी माँ सिर्फ 22 साल की थी, मैं छोटी बच्ची थी। अगर वो चाहती तो दूसरी शादी करके खुशी से जी सकती थी ना, और अगर ऐसा हुआ होता तो पता नहीं मेरा क्या हाल होता। लेकिन उन्होंने मेरी खातिर दूसरी शादी नहीं की। आज जो मैं इतनी खुश हूँ, इस खुशी के लिए उन्होंने कितनी तकलीफें उठाई हैं, मैं उन्हें छोड़कर कैसे जा सकती हूँ बता? मेरी शादी के बाद उन्हें मेरे साथ लेकर जाऊंगी, अगर ऐसा नहीं हुआ तो उन्हें कभी पैसे की प्रॉब्लम ना हो ऐसा इंतजाम करके जाऊंगी। सॉरी यार, तुम अच्छे दिल की हो इसलिए तुम्हें अच्छा लड़का जरूर मिलेगा। मैंने सुना तुम्हें नए प्रोजेक्ट के ट्रेनिंग के लिए भेजने वाले हैं। हाँ, 10 दिन का प्लान है ना, मंडे को जाऊंगी और 10 दिन वही रहूंगी। पहुँच कर फोन करना, अब तो खुश हो जाओ। तो कहाँ है? मैं भी तैयार हो रहा हूँ, आता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं रघु को लेके सीधा थिएटर आता हूँ, तुम लोग वहीं आ जाओ। हाँ ओके ठीक है। ओके 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 बाय। ठीक है। बच्ची बहुत भूखी है, नहीं है। जाओ कुछ खाने के लिए दे। ए बुढ़िया चल यहाँ से, चल। मैडम थैंक्स। कहा ना, जा यहाँ से, क्यों खड़ी है, निकल यहाँ से। कम से कम आप तो कुछ दे। क्या मतलब, कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसे बात क्यों कर रहे हो? अरे बेटी, इन लोगों का रोज का नाटक है ये। आपके घर में कोई बच्चा नहीं है क्या? जाइए। ठीक है। सुनो, क्या चाहिए तुम्हें? बोलो, मैं खरीद कर देती हूँ। क्या चाहिए? ये चाहिए, वो और वो। ठीक है, बच्ची ने जो भी मांगा है सारा पैक कर दीजिए।
ये लो, ये लीजिए। ठीक है, ये लो, घर जाकर आराम से खाना। बच्ची को स्कूल भेजना चाहिए ना। यहाँ खाना नसीब नहीं होता, बच्ची को स्कूल कैसे भेजूं? अच्छा, तुम्हें पढ़ाई करनी है? एक मिनट। हाँ, ये लीजिए, इस एड्रेस पर जाना, इस एड्रेस पर तुम्हें भी पढ़ाएंगे और दादी माँ का ख्याल भी रखेंगे, ठीक है ना? जैसा मैं कह रही हूँ वैसा कीजिएगा। कहीं और आप लोगों को देखा ना मैंने, तो पुलिस से पकड़वा दूंगी और बच्ची को अपने साथ ले जाऊंगी, ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया बेटी। कौन थी वो? मुझे इतना डिस्टर्ब क्यों कर रही है? जब से उसे देखा है ठीक से सो भी नहीं पा रहा हूं। इससे पहले तो मैंने उसे कभी नहीं देखा, फर्स्ट टाइम में ही इतना इंप्रेशन डाल दिया है उसने। पता नहीं दोबारा कब मिलूंगा। खैर कोई बात नहीं, यही है, कभी भी देख सकता हूं। अरे क्या हो गया? अरे यहाँ उल्टी क्यों कर रहा है ये? क्या बेटा, ये क्या फिनाइल पी लिया क्या तूने? अरे चल चल उधर चल, कहाँ खोया रहता है तू? क्या हो गया? फिनाइल पी लिया इसने? जा रही क्या करा रही? जा दियो, थोड़ा सा भी दिमाग नहीं है इसके पास, पता नहीं कैसी हरकतें करता रहता है ये। पापा वासु ने फिनाइल पी लिया। अरे आप जल्दी आइए, ये पानी समझ कर फिनाइल पी गया। जल्दी जल्दी करा रहे कर। सुनो क्या हो गया उसको? यहाँ पर कुछ नहीं जी, घर साफ करने के लिए फिनाइल रखा था तो पानी समझ के पी गया। ऐसे ही रखा करो तुम। क्या हो गया तुम्हें? अच्छा से धो लिया ना? ये देखिए पापा। आओ चलो तेल लगा देता हूँ। मुँह तो देखो लंगूर जैसा। अरे तू चुप रह, जा नारियल का तेल लेकर आ। थोड़ी भी अकल नहीं है, तेल लेके आओ। तुम हटो बेटी, लव लव दो। जरा भी दिमाग नहीं है तुझे? क्या पानी और फिनाइल में फर्क दिखाई नहीं पड़ता तुझे? क्यों मजाक उड़ा रहे हैं इसका? बेचारा खुद ही परेशान है। आप भी ना, बहुत जल रहा है क्या बेटा? फिनाइल की बोतल आपने वहाँ क्यों रखी? मेरे ऊपर क्यों चिल्ला रहा है? एकदम गधा है। पापा आप इसे गधा गधा बोल रहे थे ना, अब आप देखिए इसका चेहरा गधे जैसा ही बन गया। मैं ब्लू क्रॉस को फोन करके बता दूं क्या? माँ तू जरा चुप नहीं रह सकती, जब देखो बड़बड़ करती रहती है। माँ तू तुझे तो मैं अरे अरे ए पापा नहीं, पापा नहीं। अरे बेवकूफ कहके मुझे क्यों मारा? रुक तू, रुक। अरे कहाँ भाग के जाएगा? रुक, तुझे आज छोड़ूंगा नहीं। सब इसकी वजह से हुआ। अरे रुक, इसकी वजह से। पापा तू जैसे जा। पापा अरे रुक, मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। इसलिए ऐसा बोला, इसलिए मैंने पकड़। वासु तुमने जो भी किया वो गलत है बेटा। आप ऐसे क्या सोच रहे हैं? आप भी तो बच्चों की तरह दौड़ रहे थे, अपनी उम्र देखी है आपने? बाप और बेटी पुतले की तरह प्लास्टर की पट्टी लगा कर बैठे हो। हे बंदरियो, बहुत जबान लड़ा रही थी ना, अब चुपचाप बैठी रहे। वैसे मुंह पे ये लगा के काफी खूबसूरत लग रही है तू। पापा आपका ये जो सर फूटा है ना, सब इसी की वजह से हुआ है, इसी की सारी गलती है पापा। भगवान मेरा बेटा घायल हो गया है, क्या करूंगी बेटा? बेटा दर्द हो रहा है क्या? क्या हुआ? डॉक्टर नहीं है क्या? मेरे बेटे का डॉक्टर अंदर है, आइए जल्दी से किसी डॉक्टर। आप ऐसे रहेंगे तो हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? आप यहीं बैठिए, मैडम आप मेरे साथ चलिए। रोइए मत, माँ जी आपका बेटा कैसा है? अंदर लेकर गए हैं। सुनिए जाकर ये इंजेक्शन लेकर आइए। मैं पैसे लेकर नहीं आई हूँ। अब ठीक है, आप यहीं बैठिए, मैं लेकर आती हूँ। मेरा बेटा कैसा है? अभी ठीक है, इसमें जो दवाई लिखी है वो लेकर आइए। दीजिए मैं लेके आता हूँ। कोई बात नहीं, दीजिए ना। कैसे है मेरा
बेटा। अब ठीक है, स्कैन निकालने को कहा है। एक मिनट हाँ, ये पैसे रख लीजिए, मैं चलती हूँ। अपने बेटे का अच्छे से ख्याल रखिए। इसे कहाँ से लेना है? हाँ, सीधे जाकर राइट में जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। तुम्हारा नाम? प्रियंका। ठीक है बेटी। सारी दवा लेकर आया हूँ मैं। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। अब आपके साथ जो लड़की थी वो कहाँ गई? वो तो कब की चली गई बेटा। ओह, वो आपकी रिलेटिव है क्या? नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। उसने आपको अपना नाम बताया? प्रियंका नाम बताया उसने। प्रियंका, ऐसा है क्या? ठीक है कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। ठीक है, अपने बच्चे का ध्यान रखिएगा। शुक्रिया। अरे डॉक्टर प्रियंका तुम्हें बुला रही है। हाँ अभी आती हूँ, उनसे कहना। वो प्रियंका डॉक्टर थी क्या? एक लड़की ने ऐसा किया क्या? बहुत अजीब बात है। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा यार, उसके पास कितना तजुर्बा और कितनी तेजी है। डॉक्टर भी हिल गए थे उससे। क्यों? डॉक्टर लोग नशे में थे क्या? ए, तुम चुप रहो यार। अच्छा यार, वो दिखने में कैसी थी? यार वो बहुत सुंदर थी, लेकिन वो किसी को भाव नहीं दे रही थी। वो बस पूरी तरह से उस लड़की को बचाने के चक्कर में थी। ए, मुझे नहीं लगता कि तू उस लड़की को बचाने के लिए गया था। जरूर उस लड़की को लाइन मारने के लिए गया होगा। ए, चुप रहना यार। उस लड़की को जब से मैंने पहली बार देखा है, मेरे दिल के अंदर उसके लिए फीलिंग्स आ गई है यार। दूसरी बार मिलोगे तो रोने बैठोगे? नहीं, भीड़ जमा करके रोएगा। तुम भी साथ आओगे क्या? हे, तुम में से किसी के पास कैमरा वाला फोन है? क्यों? खुद की फोटो लेके उस पे थूकूंगा मैं। तेरी तो पता नहीं उससे दोबारा कब मिलूंगा यार। हाँ, मिल सकते हो। आंखें बंद करके हाईवे पर जाकर बैठ जाओ। वहाँ जो गाड़ी आती जाती रहती है, उसमें से कोई गाड़ी आकर तुम्हें ठोक देगी, और तब वो लड़की आकर तुम्हें स्लो मोशन में बचा लेगी, फिर उसे जी भर के देख लेना। अरे भाई, तू टेंशन मत ले यार, मुझे लगता है तेरे दिल में प्यार की फीलिंग उठ रही है। हे, तू अपने काम पे ध्यान देना। हे रघु, तू यहाँ पे क्यों आया? अरे इससे क्या पूछ रहे हो? इसके पास जो गोल आंखों वाला लड़का काम करता था ना, उसको इसने मेरी गाड़ी दी है स्पेयर पार्ट्स लाने के लिए। 3 घंटे हो चुके हैं, अभी तक आया नहीं है। ए, बगल में ही बैठा हूँ ना, डरा क्यों रहा है? अगर वो नहीं आया तो ये सारा सामान मैं भंगार में बेच दूंगा। बोल यार। क्या कहा? गायब हो गया? ए, अच्छे से ढूंढ के देख यार। क्या हुआ भाई? क्यों यार, उसने जो पैसा लिया था वो गुम कर दिया क्या? अरे बाप रे, गाड़ी का ओनर बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है, वो पक्का तेरी बैंड बजाएगा। ए, उसने पैसे गुम नहीं किए। और क्या घुमाया? गाड़ी घुमा दिया। गाड़ी? तेरी गाड़ी को। मेरी गाड़ी? क्या कहा? मेरी गाड़ी? ए, तू क्या मुझसे मजाक कर रहा है? स्पेयर पार्ट्स खरीदने के लिए गाड़ी दी थी, अब उसने मेरी गाड़ी को ही गुम कर दी। ए भगवान, अगर पिताजी को पता चल गया तो वो मुझे मारेंगे भी और गाली भी देंगे। हेलो, ए पागल, इज्जत से मेरी गाड़ी लेकर आ, नहीं तो मैं तेरी ईंट से ईंट बजा दूंगा। हेलो हेलो, ए उसने तो फोन ही काट दिया। ए चल उठ जा, मेरी गाड़ी लेकर आ, वरना मार मार के चमड़ी उधेड़ दूंगा। मेरी बात, इसीलिए कहते हैं ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। देख तेरी गाड़ी चली गई। मेरी गाड़ी की बात छोड़, पहले ऑफिस फोन करो, छुट्टी की बात कर, नहीं तो नौकरी चली जाएगी। चल, क्या खड़ा क्या है? मेरी गाड़ी जल्दी से ढूंढ कर ला, जा। क्या हुआ यार, ऐसे मौसम में वहां जाऊंगा तो मेरी सांस फूल जाएगी। ज्यादा ड्रामा मत कर, वरना मार मार के चमड़ी उधेड़ दूंगा। जा जा, निकल निकल। अबे चटनी बहुत अच्छी है माँ। वासु, तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता आया है। लड़की बहुत अच्छी है और बहुत पढ़ी लिखी है। इकलौती लड़की है घर की, हमारे परिवार के लिए ठीक रहेगी। बोलो तो बात आगे बढ़ाऊं। जवाब दो, पिताजी कुछ पूछ रहे हैं, ऐसे चुप क्यों बैठे हो? नहीं माँ, अभी मुझे शादी नहीं करनी, कुछ दिन और जाने दीजिए ना, बाद में देख लेंगे। अरे तुम्हारी उम्र हो गई है बेटा, तुम्हारी उम्र के लड़कों की शादी ही नहीं बच्चे तक हो गए हैं। वैसे तुम शादी कब करोगे ये बताओ। बोलो बेटा। अब नहीं पापा, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ। तुझसे भी कोई लड़की प्यार करती है क्या? बेचारी लड़की। ए तू चुप रह, कौन है वो लड़की? माँ अभी मैं खुद ही उससे 2 बार मिला हूँ। नाम उसका प्रियंका है, बाकी मुझे कुछ नहीं पता है। नेक्स्ट टाइम मिलूंगा तो सारी डिटेल्स ले लूंगा उससे। अच्छा, वन साइडेड है, वही तो मैं सोच रही थी। आखिर तुझसे कोई लड़की प्यार कैसे कर सकती है? अरे ये क्या बोल रहे हो तुम,
प्यार करते हो और उस लड़की के बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं पता। शादी से मना करने के लिए वजह काफी नहीं है। ऐसी बात नहीं है पापा, एक महीने का टाइम दीजिए ना। वो सब तो ठीक है, लेकिन जो रिश्ता है उनको क्या जवाब दूं? माँ सुनिए जी, आज तक इसने आपसे कुछ नहीं मांगा, आज पहली बार कुछ मांग रहा है, थोड़ा टाइम देकर देखिए। ठीक है, एक महीना नहीं 6 महीना ले लो। इस बीच अगर वो लड़की नहीं मिली तो हमारी बात माननी पड़ेगी। ठीक है पापा, थैंक्स माँ। कहाँ मिलेगी यार? भाई वो लड़की कहीं दिखाई नहीं दे रही यार। कौन यार? वो लड़की जो तुझसे लोन मांग रही थी वो क्या? हे, मैंने जिसके बारे में होटल में बताया था ना, वही लड़की। ए, प्यार हो गया क्या? ऐसी कोई बात नहीं है यार, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल उसी के पीछे भाग रहा है। सॉरी यार, बिना तेरी फीलिंग्स जाने मजाक उड़ा दिया, लेकिन तू चिंता मत कर, एक ना एक दिन उससे मिलेगा जरूर। सीधा जाके उसको आई लव यू बोलना, बाकी का देख लेंगे। कब मिलूंगा कुछ पता नहीं यार। यार जिस बाइक में पेट्रोल कम हो वो पेट्रोल पंप तक पहुंचेगी या नहीं ऐसा डर लगता रहता है, लेकिन जब वो पेट्रोल पंप पे पहुंच के रुकती है तो हमें खुशी मिलती है। सोच रहे तेरी कहानी भी यही है, अभी तू लड़की से मिलने के लिए तड़प रहा है और जब वो अचानक से तेरे सामने के खड़ी हो जाएगी तो तुझे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। फिर तू देखना तेरे दिल और दिमाग में तितलियां उड़ने लगेंगी, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या बात है रघु सर, मैं पहले पूछना चाह रहा था लेकिन भूल गया, आज काम पर नहीं गए क्या? अरे मैं काम पे चला गया तो तेरी चाय पीने कौन आएगा? गर्म पानी में मिट्टी डाल के चाय पिलाता है और ऊपर से सवाल करता है। गैर मर्द के साथ मिलकर अपने पति को मार दिया और अब उसे कैद हो गई। जब भी पेपर खोलता हूँ खून खराबा डकैती की न्यूज मिलती है। अरे सेक्स बढ़ रहा है। सेंस सेक्स मैटर है, उसको तो सेक्स मैटर जैसा क्यों पड़ रहा है? जब से आया हूँ तुझे देख रहा हूँ कि कौन किसके साथ भाग गया, किसने किसके साथ बलात्कार किया, ऐसे ही खबरें चिल्ला चिल्ला कर पड़े जा रहे हो। पूछने पर पेपर को दोष देते हो। पेपर में अच्छी न्यूज आती है, क्यों कोई अच्छी न्यूज नहीं पढ़ सकते? सर माफ कर दो सर, ऐसा मत करो सर, लोगों की वजह से ही पेपर में ऐसी खबरें आती हैं। नमस्ते, आप कब आई? अभी अभी आई हूँ बेटा। अच्छा, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ, मैं ऊपर हूँ। हाँ, अब मैं एक मिनट में आती हूँ। वासु, क्या हुआ माँ? बोलो क्यों आए हैं पता है? किस लिए? पिछले महीने हम गांव में शादी में गए थे ना। हाँ, वहाँ उनकी लड़की से तुम मिले थे ना। उसके लिए क्या? उस लड़की को तुम बहुत पसंद आ गए हो, इसलिए बात करने आए हैं। क्यों माँ, मैंने पहले ही कहा ना मुझे शादी नहीं करनी है। अभी मेरी शादी के लिए किसी को यहाँ मत बुलाइए। ए, ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो? सुन लेंगे तो क्या सोचेंगे? तो आप ही जाके बोल दीजिए ना उन्हें। वासु, हाँ? देखा ना तुमने, तुम्हारी आवाज सुनकर ही वो लोग चले गए। अब गांव में जाके पता नहीं क्या क्या बोलेंगे। तुमने उस लड़की से बात की ही क्यों? हाँ, आखिर तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है? लक्ष्मी, लक्ष्मी, लगता है तेरे पिताजी आ गए। मेहमानों से ऐसा बर्ताव करते हैं क्या? मैं उनसे मिलकर ही आ रहा हूँ। नहीं जी, ये थोड़ा गुस्से में। क्या गुस्से में? इसके उछलने की वजह तुम हो। मैंने ऐसा क्या? मुझे क्या करने को बोल रही हो? एक महीने की मोहलत मांगी थी, मैंने 6 महीने की मोहलत दी, पूरे 8 महीने हो चुके हैं, इसने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। मीडिएटर से बात हो गई है, कल सुबह हम लड़की देखने जा रहे हैं, अपने बेटे के साथ तैयार रहना। माँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी है, थोड़ा टाइम दो ना। तुझे शादी करने थोड़ी बोल रहे हैं, लड़की देखने जा रहे हैं ना। माँ तुम भी, तुमने खुद ही कहा था ना कि अगर 6 महीने में वो लड़की नहीं मिली तो आप लोग जो कहोगे वो मैं मानूंगा। बोला था ना बेटा, पहले से ही वो गुस्से में है, अब अगर उनकी बात नहीं मानोगे तो वो और गुस्सा हो जाएंगे। तो फिर आप ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए। कल हम लड़की देखने जा रहे हैं, तैयार रहना। क्या बात है सुरेश, गाड़ी को देखा क्या, कैसी कंडीशन में है? मैंने देखा भाई, बहुत ही डैमेज है। कहाँ ले जाके ठोके थे? नशे में ले जाकर इमली के पेड़ से ठोक दिया। पूछा तो टेढ़ा जवाब दे रहा है, दूसरा ड्राइवर है बोलकर गाड़ी लेकर आया था। क्या भाई, अभी एक अच्छा ड्राइवर रखना चाहिए ना। अरे जो भी आता है मनहूसियत साथ लेकर आता है। अपने आप को समझते क्या हो,
किससे पूछकर गाड़ी लाए थे? तुम्हारी गाड़ी में ब्रेक नहीं है तो इसके लिए मैं क्या करूं? हैं? देखो भाई, ये सारी बातें बाद में कर लेंगे, अभी तुम जाओ। पहले मेरे सवालों का जवाब दो। किसी को भी लाओगे तो गाड़ी लेकर चले जाओगे? भाई बाद में बात कर लेंगे ना, जाओ। ए, तू कौन है? अपना काम देखो और निकल। ए, ड्राइवर कौन था? छोड़ मेरा। किसे बोल रहा है? मुझे जानता है ना? गार्ड के रख दूंगा। बहुत देर से देख रहा हूँ, अपने आपको बहुत बड़ा गुंडा समझता है क्या? एक बुजुर्ग आदमी पे हाथ उठाने शर्म नहीं आती? चल निकल। मेरे ऊपर हाथ उठाया? अभी आता हूँ मैं, कौन हूँ दिखाता हूँ तुझे। भाई चलो भाई, इसे मार कर आते हैं, चलो। रुक जा। ए, इधर आ, भाग कर रहा है। काट के रख दूंगा, काट के। ए, डर के भाग गया, डरपोक। भाई मैं गाड़ी रेडी करके फोन करता हूँ। ठीक है भाई, फोन करना, संभल के जाइएगा। हाँ हाँ। सुरेश कहाँ है? पेंटिंग वर्कशॉप पे भाई। छोटू दुकान पर गया है। ए, उस लॉरी को तैयार कर दिया क्या? तैयार हो गया भाई, आप देख लो। अरे अच्छे से तैयार कर, कस्टमर आके चिल्ला के जाता है। ठीक है भाई। कोई झगड़ा हुआ क्या? छोटो ने फोन किया था। अरे नशे में कुछ लोग आए थे, चल छोड़ यार। कौन है ये लोग? लगता है वो गुंडा ही लोगों को लेके आया है। तो कुछ मत बोल रहा हूं। किसने मारा तुझे? इसी ने मारा भाई। हे सर, क्यों नहीं बोल दिया होगा सर? गलती हो गई सर, जाने दीजिए। तेरी तो हट। हे सर, जाने दीजिए ना सर। सर प्लीज प्लीज जाने दीजिए, गलती हो गई। देख वो लोग भाग गए डरपोक कहीं के। अरे यहाँ क्या परेशानी हुई? फोन करके बताना चाहिए ना। छोड़ना यार। क्या कहा? छोड़ दे। मैं नहीं छोड़ सकता। कौन थे वो लोग? ए, सब कुछ हो चुका है, अब चिल्ला क्यों रहा है? ए, हमारे गैरेज में आकर चिल्ला कर गए, हम कैसे छोड़ सकते हैं उन्हें? ए, चलो मेरे साथ। वो लोग हमारे एरिया में आकर झगड़ा करके गए, अब हम उनकी एरिया में जाएंगे। उसके लिए दो दिन लगेगा यार। क्यों बे? हम लोग केरला जाके कथकली सीख के आए। चप्पल निकालना। मैं सीरियस बात कर रहा हूँ और तुम लोगों को मजाक लग रहा है? सुन लो, आज तक तुम लोगों ने मेरा गुस्सा नहीं देखा है। सही कहा यार, इससे पहले तुझे नंगा भी नहीं देखा है। ए, अब से तुम मेरा असली रूप देखोगे। चलो चलो मेरे साथ। गुरु गुरु। ए, क्या है? देखो। क्या प्रॉब्लम है यहाँ? सर आप हैं क्या? अच्छा तू ही है ना? इसे रे का गुंडा है क्या? चल 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 भाग गए। तो फिर ये कौन? ये हमारा फ्रेंड है सर। अरे भाई, तो ये पहले नहीं बता सकते थे क्या? ठीक है ठीक है, पुलिस स्टेशन आकर कंप्लेन लिखवा देना। ठीक है सर। ठीक है, चलो चलो गाड़ी में बैठो। आराम से चलो। उन लोगों
मुझे बहुत मारा। कीर्ति, वो लोग दिखने में काफी अच्छे खानदान के लगते हैं और ऊपर से उस लड़के के साथ तेरी जोड़ी बहुत अच्छी जमेगी बेटा, वो बिल्कुल तेरे लायक है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो लोग बगल में ही रहते हैं, अगर तू मुझसे मिलना चाहे या फिर मैं तुझसे मिलना चाहूँ तो आधे घंटे में मिल सकते हैं, मान जाना बेटा। ठीक है, मैं उनके पास जाती हूँ, तो कॉफी लेकर आ। लेट हो गया, कॉफी पी लिया ना? बैठिए। हमें लड़की बहुत पसंद है, माँ लक्ष्मी की तरह दिख रही है। ये तो अच्छी बात है, रिश्ते के लिए बात बढ़ाए। लड़का लड़की को देख ही नहीं रहा है, शर्मा रहा है क्या? हे भगवान, कहीं लड़के से अकेले में बात करने की बात ना छेड़ दे। और क्या सर, आगे की बात जो भी हम बात कर लेंगे ना। हम लोगों को लड़की पसंद है, शादी की डेट फिक्स कर देते हैं। ठीक है। पापा, मुझे लड़की से अकेले में बात करनी है। अकेले में? किस लिए? अच्छा, अकेले में बात करनी है। अकेले में क्या बात करनी है तुझे? हम लोगों को लड़की पसंद है, जो भी बात करने यहीं पर करो। नहीं पापा, मुझे बात करनी है। अगर बात करना चाहते हैं तो करने दीजिए। संभल कर बात करना, जो कहा है वो याद रखना। अगर कुछ ऐसा वैसा कर दिया तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। अब तक क्या बाकी रखा है? मुझे ये शादी मंजूर नहीं है। सॉरी, मुझे लड़का पसंद नहीं है। ये लड़की हमेशा ऐसा ही करती है। चलो चलते हैं। पापा, चलते हैं। उसने जो बोला उसे दिल पर मत लीजिए। कोई बात नहीं। ऐसा क्यों कहा पसंद नहीं है? बायोडेटा देखने के बाद ही उसे बुलाया था ना। हमारी बदनामी करना चाह रही हो? पसंद नहीं था तो फोन पर बोल देती। मैं आपसे ही पूछ रही हूँ, आप रो क्यों रही हो? आखिर वो क्यों पसंद नहीं है? बोलिए, क्या बात करना चाहते हैं मुझसे? जब से मैं आई हूँ देख रही हूँ कि आप मेरा चेहरा भी नहीं देख रहे हैं। आपको मैं इतनी बुरी लग रही हूँ क्या? ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपको पसंद हूँ क्या?
पसंद है। लेकिन तुम मुझे नहीं पसंद हो। क्यों? मुझे ये शादी नहीं करनी है। ये बात तो आपको घर पर बोल देनी चाहिए थी। घर पे बोलूंगा तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। सुनिए। क्या हुआ? आप मेरी हेल्प करेंगी क्या? हेल्प? और मैं? हाँ। कैसी हेल्प चाहिए? वो क्या है, आप मेरे पेरेंट्स के पास जाकर कह दीजिए कि मैं आपको पसंद नहीं हूँ। ये आप खुद भी तो बोल सकते हैं ना। अगर मैं कहूँगा तो मेरे घर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, इसीलिए अगर आप बोल देंगी तो वो लोग मान जाएंगे। मैं आपको क्यों पसंद नहीं हूँ? ऐसी कोई बात नहीं है, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और ये मेरे घर वाले नहीं समझते हैं। मैं समझ गई। मुझे आपके मम्मी पापा को उस लड़की के परिवार वालों से बात करने के लिए कहना है ना? उसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है, मैंने खुद उसे बस देखा ही है लेकिन उसकी डिटेल्स या फिर और कुछ नहीं जानता हूँ। ओह, तो वन साइड है क्या? ये छोटी प्रॉब्लम नहीं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट टाइम मिलूंगा तो ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। मैं आपको पसंद नहीं हूँ, प्लीज बोल दीजिए ना। मुझे बहुत सारे लड़के देखने के लिए आए, मैं उन लड़कों को पसंद नहीं हूँ ऐसा उन्हें बोलने के लिए मैंने मजबूर किया, लेकिन अब ये मेरे साथ ही हो रहा है। मुझे तो आप देखते ही पसंद आ गए थे, क्यों पसंद आए, किस लिए पसंद आए, ये मैं नहीं बता सकती। ठीक है, मेरी तरफ देखकर तो बात कर सकते हैं ना? हेलो, यहाँ देखिए ना। नहीं, हम अभी करीब खड़े हैं ना, अगर मैं कभी आपसे मिला तो आपको कभी मैं फेस नहीं कर पाऊंगा और आपको भी मेरे ऊपर तरस आएगा। वहीं आपसे मिलने के लिए, बात करने के लिए चांस क्रिएट होगा। अगर मैं आपको देखूंगा ही नहीं तो मैं कभी जान ही नहीं पाऊंगा कि आप कौन हैं। एक तरह से आप मुझे खुदगर्ज भी समझ सकती हैं। और वो लड़की आपको नहीं मिली तो? जरूर मिलेगी। इतने बड़े शहर में आप उसे कैसे ढूंढेंगे? ढूंढ निकालूंगा, मुझे खुद पे भरोसा है। अगर मिली तो मुझे भी खुशी होगी, आप मुझे बहुत पसंद आए हैं, आपकी फैमिली भी बहुत पसंद आई है। अगर आप जिसे ढूंढ रहे हैं वो लड़की आपको नहीं मिली तो आपको किसी न किसी दूसरी लड़की से तो शादी करनी ही होगी ना? तो वो दूसरी लड़की मैं ही होंगी, ऐसी उम्मीद करती हूँ। एक मिनट रुकिए। हाँ, ये लीजिए, ये मेरी फोटो और फोन नंबर है। वो लड़की आपको मिल गई तो ये फोटो फाड़कर फेंक दीजिएगा, और अगर नहीं मिली और आपको किसी दूसरी लड़की से शादी करने की नौबत आ गई तो इस नंबर पर मुझे कॉल कीजिएगा, मैं आपके लिए 1 साल वेट करूंगी। लीजिए। की वजह उससे घर जाकर बात करती हूँ। नहीं नहीं, जो कुछ भी हम दोनों के बीच हुआ उन्होंने कहा कि मैं किसी को भी ना बताऊं। ठीक है, आपको वासु पसंद है ना? आप बहुत जल्द मेरे घर में आ जाओगी, ठीक है ना? वो कैसे? वो सब मैं देख लूंगी, अपना फोन नंबर दो। हाँ, 9600873133। देवी, क्या कर रही है? बुला रही है, जाती हूँ, बाद में फोन करती हूँ। हाँ, ओके, बाय। और याद रखना, अपने भाई से मेरे बारे में बात जरूर करना। जाओ खिलाओ उसको, सब तुम्हारे प्यार का नतीजा है। उसे क्यों डांट रहे हैं? उस लड़की ने मना किया है ना, इसमें इसकी क्या गलती? क्या कहा? लड़की को पसंद नहीं आया, तुम उसका भरोसा कर रहे हो? अकेले में जाकर लड़की को पता नहीं क्या समझाया और लड़की के मुंह से ना बुलवा दिया। जब उस लड़की ने मना किया मुझे तो तभी उसकी उदासी दिख गई थी, बोलने के बाद 1 सेकंड भी रुकी थी। ऐसा भी कोई करेगा क्या? तुम पागल हो क्या? आपसे शादी की है ना?
हे, तुम क्यों हंस रही हो? बस ऐसे ही पापा। कल मुझे लड़के वाले देखने के लिए आए थे। अरे मुझे तो बताया नहीं, तो इस बार कैसे भगाया? चुप करना यार, इस बार तो वो मेरा मजाक उड़ाकर चला गया। ये क्या बोल रही है? तो तू इतना क्यों सोच रही है? लेकिन इस बार उसकी पूरी फैमिली मुझे बहुत पसंद आई। उसकी माँ, पापा, बहन, बहुत ही प्यारी फैमिली है। लाइफ में पहली बार मुझे कोई फैमिली इतनी पसंद आई। मुझे खुशी है कि मैं कुछ पल तो उसके साथ रह पाई। जब उसने कहा कि मैं उसे पसंद नहीं हूँ, तब से मैं उसे भुला ही नहीं पा रही हूँ। उसकी बहन ने कहा है ना कि वो सब संभाल लेगी, तो चिंता मत कर, सब कुछ अच्छा ही होगा। चल मंदिर चलते हैं। हाँ बोल। ए, कल तू लड़की देखने गया था और मुझे बताया भी नहीं। किसने कहा? अरे वही जो कल तेरे साथ था। कौन रखू? हाँ वही, मैं पार्टी मांगूंगा इसलिए मुझे नहीं बताया ना। ऐसी कोई बात नहीं है यार, दिल में थोड़ी तकलीफ हो रही है और कुछ नहीं। लड़की को तो पसंद नहीं आया क्या? लड़की को तो मैं पसंद था, लेकिन मैंने ही कहा कि वो मना कर दे। क्या बोल रहा है? पसंद नहीं थी तो तू खुद बोल देता ना। बस इसीलिए दिल में थोड़ी तकलीफ हो रही है, सॉरी भी नहीं बोल पाया यार उसे। लेकिन वो लड़की बहुत अच्छी थी, मैंने उसका दिल दुखाया यार। हाँ निकल रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, बाय। ए, क्या है? तुम्हारा सारा नाटक जानती हूँ मैं, जाओ जाओ। ए, पढ़ाई पे ध्यान दे। हाय देवी, कैसी हो तुम? फाइन फाइन, आपके लिए गुड न्यूज है। क्या है? मेरा भाई हर वक्त आपके बारे में ही सोच रहा है। सच बोल रही हो क्या? जी हाँ, अभी अभी अपने दोस्त से आपके बारे में ही बात कर रहा था, कह रहा था आप बहुत अच्छी हैं। आपसे सॉरी भी नहीं बोल पाया वो, इस बात से वो बहुत तकलीफ में है। और क्या कहा उन्होंने? अभी तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखना क्या होता है। आपको एक साल तक वेट करने की जरूरत नहीं, 3 महीने में ही आप हमारे घर में आ जाओगे, मुझे पूरा यकीन है। देवी। ओके, मैं बाद में फोन करती हूँ, बाय। ओके ओके। वो जिस लड़की को ढूंढ रहा है वो तुझसे भी सुंदर है क्या? ऐसा लग तो रहा है, इसीलिए मुझे मना कर रहा है। मेरा वासु से मिलने का बहुत मन कर रहा है। कैसे मिलेगी? इसके लिए एक तरकीब है। क्या कर रही हो तुम? टीवी देख रही हूँ। घर पर कोई नहीं है क्या? आपने क्यों फोन किया है मुझे पता है, वो अब तक ऑफिस से घर नहीं आया। संडे के दिन तुम्हारा भाई क्या करता है? पहले तो वो घर पर ही रहता था, लेकिन अब नहीं रहता। जहाँ जहाँ लड़कियाँ रहती हैं, वहाँ जाकर उसे ढूंढ रहा है। ये क्या कह रही हो तुम? हाँ, वो कब सुधरेगा पता नहीं। इस संडे को तुम्हारा भाई कहाँ जा रहा है पूछकर बताओगी क्या? क्यों? प्लीज। ओके, समझ गई। ठीक, शैतान। आने वाले संडे को मैं वासु को फॉलो करूंगी। हे, गाड़ी रोक लो। इनमें से नहीं है, चलना चल। यार लगता है वो लड़की मुझसे पट जाएगी। ए, लगता है तू हॉस्पिटल में एडमिट होना चाह रहा है। तो उसके बारे में नहीं जानता। छी। अरे तो मेरे बारे में नहीं जानता। अब देख मैं क्या करता हूँ। उतर ना, उतर उतर ना, मैं दिखाता हूँ तेरे को। जो करना है जल्दी करना। अरे रुकना। एक्सक्यूज मी मैडम, ये एड्रेस कहाँ है कुछ बता सकती हो? अरे बेवकूफ, दिमाग नहीं है क्या तेरे पास? एटीएम कार्ड दिखाकर एड्रेस पूछ रहा है? सॉरी मैडम, कार्ड बदल गया। चेहरा भी बदल जाएगा, सीधी तरह भाग जाए यहाँ से। बड़ा आया सर, आप दिखने में तो बहुत अच्छे लग रहे हो, तो इस जानवर के साथ क्यों घूम रहे हो? सॉरी सिस्टर। हाँ जी, मैं तो जानवर हूँ और तुम मिस इंडिया हो ना, अपने चेहरे को देखा है, बंदरिया लग रही हो। मार कर मुंह फोड़ दूंगा। अभी तेरा चेहरा बिगड़ने वाला है। अबे चलो रे, मारो इसे। चल जल्दी गाड़ी पे बैठ, गाड़ी चल। रुक बता, मरवाएगा तू। चल नीचे उतर। क्यों, क्या हुआ? तेरे साथ जाऊंगा तो बदनाम हो जाऊंगा, मैं ऑटो से चला जाऊंगा। चल तू अपनी गाड़ी पकड़। सही है भाई, भगवान की कृपा थी तो मैं बच गया। अगर थोड़ी देर और रहता तो मार मार कर हड्डी पसली एक कर देती। वो लड़की थी क्या? मॉडर्न ड्रेस में भैंस थी। कितना भी हो तो सुधरने वाला नहीं है यार, रघु की लाइफ में ये सब कॉमन है। हेलो, गुड मॉर्निंग सर, मैं निशा बोल रही हूँ। निशा? हाँ सर, आपके बैंक में जो अकाउंट खुला है तो उसके लिए मैं क्या करूँ? बहुत दिनों से बात करना चाह रही थी। ये नंबर किसने दिया आपको? आपका फ्रेंड ने ही दिया है। तो आप उसे ही फोन करिए ना, मुझे दोबारा कॉल मत करिएगा। सर आप पर मैं पूरा भरोसा करती हूँ। मेरी बात सुनिए, मुझ पर पूरा नहीं, आधा भी भरोसा करने की जरूरत नहीं है। हेलो, सामने से ही नहीं पीछे से भी मिलने की जरूरत नहीं है, फोन रखिए आप। अबे किसको नंबर दे देता मेरा? अबे क्या हो गया तुझे? किसने तुझे मारा? अरे तू फोन किया इतनी देर में। मारा किसने? उन्होंने
अरे तो आवाज दे सकता था ना मुझे। अरे चिल्लाने के लिए मुंह खोला था लेकिन उन्होंने मेरे मुंह पे इतना मारा कि तू अगर फोन पर बात करते करते एक बार देख लेता तो मैं बच जाता। सॉरी यार, ज्यादा मार पड़ गई क्या? चल ठीक है, कोई बात नहीं, बैठ। अब अच्छा सुन, तेरी गाड़ी मैं लेके जाता हूँ, नहीं तो लोग तुझे गलत समझेंगे। तू ऑटो से आ जा। ठीक है ठीक है, ये ले। अरे इतने में कैसे जाऊंगा? शेयरिंग में आ जाना। जा बे जा, दोस्त ही कमीना निकला, अब किसको क्या बोले। जा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या? उसके बाद क्या? और लड़कियों से बचने के लिए वो लोग वहाँ से ऐसे भागे कि मैं अपनी हंसी रोक ही नहीं पाई। मुझे अभी भी हंसी आ रही है, वासु का चेहरा देखने लायक था। तो मुझे वासु से मिलवाओगी? देवी से कहकर अरेंज करेंगे ना। एक मिनट। हेलो देवी, इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही हो? सब लोग बाहर ही तो खड़े हैं। उनका दोपहर का एग्जाम है, बाय, चलती हूँ। सुचि, क्या हुआ? वहाँ देख, वासु आया है। किधर? वो व्हाइट शर्ट पहना है ना। अच्छा, नहीं है, पास जाकर देखिएगा, यहाँ से ठीक से दिख नहीं रहा। नहीं, मैं नहीं आ रही, तुम जाकर देखो। जाओ ना। ठीक है, तू यही वेट करना। ऐसा लग रहा है कहीं मिला हूँ मैं इससे, क्या पता ये वही हो, देख के आता हूँ। हे, ये तो बहुत स्मार्ट लग रहा है यार, आखिर मेरा सिलेक्शन है। हे, और क्या क्या करता है, रुक कर देखते हैं ना। अरे नहीं नहीं, रहने दे, उसके आने से पहले यहाँ से निकलते हैं। ठीक है। देवी, तुम हार अगरबत्ती लेकर आओ, हम लोग जाते हैं। ठीक है पापा, मैं लेकर आती हूँ। माँ, ये लो माँ। अरे पर्स कहाँ है तेरा? अरे बाप रे, लगता है फूलों की दुकान पर ही छोड़ कर जा, जल्दी लेकर आओ। घर पर वो जान खाता है और बाहर ये जान खा रही है। आप शांत रहिए जी। आंटी, यहाँ पर मेरा पर्स रह गया था। ये है क्या? थैंक यू सो मच। ए देवी, हाय, ये वही लड़की। क्या कुछ भी बोलती हो, किसके साथ आई हो? मम्मी पापा के साथ आई हूँ। ओह, वो लोग कहाँ हैं? सीढ़ियों पर हैं। कैसी हो बेटी? अच्छी हूँ आंटी, आप कैसी? मैं भी ठीक हूँ। चलिए चलते हैं। चलो चलो। अरे बेटी कैसी हो? कैसी तुम? अच्छी हूँ अंकल, आप कैसी हैं आंटी? ठीक हूँ मैं, बहुत अच्छी। नमस्ते। यहाँ आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई। आइए चलते हैं। चलो, अपने भाई को साथ लाना चाहिए था ना। हाँ, वैसे वो पूजा नहीं करता, वो आ भी गया तो क्या आप उसे घंटे पर बात करती रहोगी? अगर वो आएंगे तो हर रोज बातें कर सकते हैं। अरे बाप रे, इतना प्यार। देवी, पापा, मंदिर में आई हो और यहाँ बाहर बैठ के बातें कर रही हो? ऐसा नहीं है, आप भी आकर हमें ज्वाइन कर लीजिए, बेकार की बातें ही कर रहे हैं। ठीक है बेटी, अब चलो चलते हैं। ठीक है पापा। क्यों अंकल, सिर्फ इसे ही बुला रहे हैं, मुझे नहीं बुलाएंगे क्या? अरे ऐसी बात नहीं है बेटी, तुम भी चलो हमारे साथ। ठीक है, मैं फोन करती हूँ। कीर्ति, क्या हुआ अंकल? देखो बेटी, तुमसे कुछ पूछूंगा तो गलत तो नहीं समझोगी? क्या, मैं? अगर नहीं पूछेंगे तो गलत समझूंगी, पूछिए। उस दिन पसंद नहीं ऐसा क्यों बोला था? उस दिन ऐसे ही कह दिया था, पर अब नहीं कहूंगी। चाहे तो फिर से लड़की देखने आइए ना, इस बार कह दूंगी कि पसंद है। अरे चुप रहो। ठीक है चलो चलते हैं। बहुत मजाक। अरे सीरियसली कह रही हूँ। हाँ? तीन
पीने के बाद थोड़ा चैन से रह सकता हूँ, इसलिए थोड़ा सा पी लिया मैंने। ये कौन सी आदत लगा रहे हैं? पीऊंगा मैं, रोज पीऊंगा। ये क्या हो गया आपको? घर में जवान जवान बच्चे हैं और देखो आ गए लाड साहब। कहां से घूम के आ रहे हो तुम? बोलो, कुछ बोलते क्यों नहीं? बोलो, बैठिए पापा, कुछ पूछ रहे हैं ना, जवाब दो। आप बैठिए पापा। वो कैसे जवाब देगा? इसके दो चार आवारा दोस्त है ना, उनके साथ मस्ती करके लेट तो आए गए, लेकिन उन आवारों ने भी शादी कर ली और उनके भी चार पांच बच्चे हैं। लेकिन मेरा ये बेटा अभी भी आवारा ही रह गया। अगर वो लोग मिल गए तो उन्हें चप्पल से मारूंगा, मारे बिना नहीं छोड़ूंगा। मेरे लड़के को बिगाड़ दिया, ठहरो मैं दिखाता हूँ। अब तो खुश है ना माँ? अब तुझे खुशी मिल रही है ना? कैसे इंसान थे ये और अब कैसे बदल गए हैं देखो। हेलो, क्या कर रही हो? पढ़ाई कर रही हूँ। क्या बात है, इस वक्त कॉल किया? कुछ नहीं, बस कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्या हुआ? तुमसे एक बात पूछूं क्या? पूछो ना। मैं तुम्हारे भाई से मिलकर बात कर लूं? क्यों? उसकी बहुत याद सता रही है। जब तक मैं ना कहूं तब तक वेट करो। वेट नहीं हो रहा। मेरी बात मानो, अभी वो जिस हालत में है, अगर आप उससे मिलोगे तो समस्या खड़ी हो जाएगी। समस्या मेरे लिए? पर क्यों? कैसे समझाऊं मैं आपको, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कल मंदिर में आओ, मैं वहीं पर बताती हूं। ठीक है, मैं फोन रखती हूं। बहुत लेट हो गई क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ट्रैफिक था ना इसीलिए। सॉरी, फोन पर ठीक से बात नहीं कर पाई थी। अच्छा वो सब छोड़ो, तुमने बात करने से मना क्यों किया? उस लड़की की यादों में वो मेंटली डिस्टर्ब हो गया है और मेरे पापा आपको दिल में रखकर उसके साथ झगड़ा कर रहे थे। क्या कहा? मुझे दिल में रखकर? मेरे घर में हर कोई आपको बहुत पसंद करता है। ऊपर से जब उस दिन मंदिर में मिले थे तब से पापा को आप बहुत पसंद आ गई। सबको लगता है आप हमारे घर में आओगी तो बहुत अच्छा रहेगा, इसलिए आपके बारे में बात करते हैं तो उसे टेंशन हो जाती है। अगर आप अभी उससे मिलोगी तो कहीं वो कुछ ऐसा ना कह दे जिससे आपको दुख पहुंचे। उस लड़की के बारे में कुछ पता चला? अभी तक तो कुछ पता नहीं चला, क्या करने वाला है कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हारे भाई को मैं बिल्कुल पसंद नहीं आई क्या? अरे ऐसा मत सोचो, सब कुछ अच्छा ही होगा, मुझ पर भरोसा करो। ठीक है, अब चलें। ऑटो कैंसिल कर दो, मैं ड्रॉप कर देती हूँ। नहीं कोई बात नहीं, टाइम हो गया है, ऑटो से चली जाऊंगी। वैसे ये सुरेश कहाँ चला गया? बिजनेस के सिलसिले में बाहर गए हैं। तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे कोई फ्लाइट एयरपोर्ट पे खड़ी है और वो उसे ठीक करने गया है। मुझे तो लगता है कोई रास्ते में ट्रक पंचर होके खड़ी होगी और वो उसका पंचर बनाने गया होगा। ऊपर से इतना बिल्डअप। ज्यादा मत बोलो भाई, औकात में रहकर बात करना मुझे। भाई मैं कब से देख रहा हूँ कि जब भी आप यहाँ पे आती हो वो लड़कियाँ यहाँ पे आती हैं, वेट करती हैं, चली जाती हैं। ए, क्या बोल रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अरे छोड़ो भाई, आप किसी काम के लायक ही नहीं हो। आपकी जगह मैं होता तो कब का काम निपटा दिया होता। ए, जो बोलना है साफ साफ बोलना। चलो भाई आपको दिखाता हूँ, चलो इसका। अरे आओ ना, जाऊँ कहीं मेरी पिटाई ना हो जाए। नहीं कुछ नहीं होगा, ऐसा ट्राई करने में क्या जाता है। अरे भाई क्या सोच रहे हो, चलो ना बाइक चालू करो। चलो 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 गाड़ी में बैठो जल्दी। वो देखो सामने, देखो सामने, देखो। डर गई क्या? आज हाथ में आई हो, कुछ भी हो जाए छोड़ूंगा नहीं। सबसे पहले अपना हेलमेट उतारो,
आज तुम लोगों को मेरे बारे में अच्छे से पता चल जाएगा। ये तो कुछ और ही निकली। अरे दीदी हम कुछ दीदी मासूम आदमी है, अभी उसकी शादी भी नहीं है। तू मुझे अच्छा खासा मैं दुकान में बैठा था, मुझे चढ़ाकर बोला ये देख रही वो देख रही, और अब जब मैं फंस गया तो मुझे पहचानने से मना कर रहा है। अरे बाप रे, अरे भाई आप हो क्या, ये क्या हो गया? अबे कमीने, ये देख तेरी वजह से क्या हालत हो गई है मेरी। अगर मैं मैकेनिक शॉप पर बैठा होता तो आराम से बिरयानी खा रहा होता और क्वार्टर मार रहा होता, मेरी ये हालत तो नहीं होती। तुम्हारा भाई कहाँ है? बाहर गया है पापा, अब तक आया नहीं। क्या बात है जी, आते ही उसको ढूंढ रहे हैं। उसका कारनामा देखकर आ रहा हूँ मैं। क्यों, ऐसा क्या हुआ? ऑफिस में क्या हुआ, क्या उसने बताया नहीं तुम्हें? उसे ऑफिस गए 3 दिन हो गए हैं, ऑफिस से उसे सस्पेंड कर दिया गया है। उसको ऑफिस से सस्पेंड कर दिया और तुम्हें पता ही नहीं चला अभी तक? कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो? मुझे सच में नहीं पता जी। ए वासु इधर आओ, तुम्हारे पापा जो बोल रहे हो वो सच है? मैं कुछ पूछ रही हूँ ना और तुम भाग रहे हो, जवाब दो पहले। ये कैसे बोलेगा कि ये उस अनजान लड़की के पीछे घूमकर खुद को मिटा रहा है? इसके मैनेजर के बताने पर ही मुझे पता चला। तुम ऐसे कैसे बदल गए हो बेटा, क्या हो गया है तुम्हें? देखो ना कैसे दिख रहा है, दाढ़ी कितनी बढ़ गई है, इसका ड्रेस देखो, पापा। सड़क पर घूमने वाला भिखारी जैसा दिख रहा है ये। आप अरे तुम्हारे मन्नत मांगने पर पैसा हुआ था ना? आप रो क्यों रहे हैं? ऐसे रोए क्यों? आपको मैंने पहले ऐसा कभी नहीं बोला। अरे ऐसा क्या मांग लिया मैंने तुमसे? पैसे मांगे थे क्या तुमसे? शादी करने के लिए तो बोला था ना। ठीक है, इसके लिए कोई रोता है क्या? आंसू पोंछिए अपने। मैं रो नहीं तो क्या करूं? अपना मुर्गेश हार्ट अटैक से मर गया। जब मैयत में उसके घर गया मैं, उन्होंने इसके बारे में सारी कहानी बताई। जरा बात को समझिए। तुम जो प्यार जता रही हो उसमें से आधा भी इसके अंदर है? अरे कुछ दिनों से मेरी छाती में दर्द हो रहा है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ हो जाएगा सोच का डर लग रहा है। कुछ होने से पहले शादी कर लो, तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम्हारा जो बच्चा होगा उसे सीने से लगा कर पालने का दिल कर रहा है मेरा। ये सब मैं किससे कहूँगा, तुमसे ही तो कहूँगा ना, इतनी सी बात क्यों नहीं समझते तुम? देखिए आप शांत हो जाइए, मत नहीं मत रोइए पापा। ए तुम शादी के लिए मानोगे या नहीं, मुझे अभी फैसला जानना है, बताओ मुझे। क्या माँ अभी पापा की तरह आप भी पागलों की तरह बात कर रही हो? आप लोग खुशी से नहीं रह सकते हैं क्या? अरे मैं पागल हूँ क्या? तुम्हारा अच्छा सोच रहा हूँ तो क्या मैं गलत कर रहा हूँ? तुम्हारे लिए जी रहा हूँ तो क्या मैं पागल हूँ? अरे जी समझ नहीं आता तुझे? पापा, आप बैठिए पापा, ऐसा क्यों कर रहे हैं? बैठिए बैठिए पापा। ना तेरी इतनी हिम्मत, अपने पापा से ऐसे बात कर रहा है? तुम ही अपनी जिंदगी जियो, उस लड़की को घर पर लाओ, अपना घर बसाओ, हम लोग कहीं चले जाते हैं। क्या हो रहा है? जाओ अंदर, जाओ तुम जाओ, मर गए इसके लिए। पापा आप बैठ जाइए, पापा बैठिए ना। तुम जो कर रहे हो वो ठीक है क्या? हम कितनी खुशी से जी रहे थे, तुम्हारी वजह से घर में सब बदल गया है। मुझे कोई समझ क्यों नहीं पा रहा है? मैं जिससे शादी करूंगा वो सिर्फ मुझे प्यार करेगी, तुम्हें मम्मी को पापा को सबको संभालेगी कि नहीं पता नहीं। सुरेश की हालत देखिए तुमने, उसके पापा वॉचमैन की नौकरी करके जी रहे हैं। अगर मेरे साथ ऐसा हुआ ना तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, तुम लोग को तकलीफ में नहीं देख सकता मैं। वो लड़की हमारा ध्यान रखेगी ये कैसे कह सकते हो? जब भी उसे देखते हो वो सबकी मदद करती है ना, तो क्या जरूरी है वो हमारा भी ख्याल रखेगी? उसकी मेंटालिटी मिलने के बाद ही पता चलेगी। मुझे क्या करने के लिए बोल रही हो तुम? अब तक जो भी हुआ है उसे भूल जाओ, कीर्ति तुम्हें बहुत याद करती है, तुम जो चाहते हो वो वैसा ही करेगी। मानता हूँ कि कीर्ति अच्छी लड़की है, वो मेरे बारे में सब कुछ जानती भी है, शादी के बाद कहीं यही ना प्रॉब्लम बन जाए। और किसी एक को दिल में रख के मैं उसे प्यार कैसे कर सकता हूँ?
किसी और को दिल में रख के उसके साथ जिंदगी कैसे बिताऊं? अरे क्यों उसे याद करते हो तुम? उसे भूल जाओ, एक नई लाइफ शुरू करो। नहीं हो रहा मुझसे, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ लेकिन उसे भूल नहीं पा रहा, नहीं भूल पा रहा। भूलने की कोशिश की ना, इतना ही काफी है। मेरा दिल नहीं मान रहा है। जिसका एड्रेस अता पता कुछ नहीं मालूम है उसे, उसके लिए हमारे खिलाफ कैसी बातें कर रहा है देखा तुमने? देख रही हो ना तुम, ये कहीं चला ना जाए इस बात का डर लग रहा है। ऐसी बात मत कीजिए। जाओ, जाकर सॉरी बोलो। पापा, पापा मुझसे बात करिए पापा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। पापा पता नहीं क्यों आजकल मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। किसके साथ मैं कैसे बर्ताव करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है पापा। आपकी बातें मानूं, आप जैसा कहें मैं वैसा करूं, लेकिन मैं नहीं कर पाता हूं पापा। लगता है मैं पागल हो जाऊंगा पापा। अरे वासु, ये कैसी बातें कर रहे हैं तू बेटा? आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा। वासु तेरी कोई गलती नहीं है बेटा। अरे तुम अगर इस तरह बात करोगे तो हमें कैसा लगेगा बेटा, आखिर तुम हमारे बेटे हो। जब उसे मैं भूलने की कोशिश करता हूँ तो उसकी यादें मुझे और तड़पाती है। मैं क्या करूँ पापा? वासु वासु रोना बंद कर, तेरे रोने से ये सब लोग देख रो रहे हैं। रोना बंद कर बेटा, चुप हो जा, चुप हो जा, आजा, आजा, बैठ, बैठ, पानी पिलाओ इसको। ये ले, पानी पिले। अरे वासु, तूने ऐसे क्या गलती कर दी? दूसरों के जैसे हम तकलीफ न उठाएं यही सोच रहे हो ना? तुम उस लड़की से मिले, तुम उसे बहुत चाहने लगे, अब वो इस घर आएगी तो हम सबको खुशी मिलेगी। तुम्हारा ऐसा सोचना गलत नहीं है। अगर वो लड़की तुम्हारी किस्मत में हुई तो वो तुम्हें जरूर मिलेगी। और 6 महीने का टाइम ले लो, मुझे विश्वास है लड़की तुम्हें जरूर मिलेगी। पापा उठो, जाओ नहाकर ड्रेस बदलो और पुराने वासु की तरह बन जाओ। जाओ वासु। पापा 6 महीने के बाद अब आपका फैसला ही मेरा फैसला है। सुनिए, वो खुद अभी उसे भूलने की कोशिश कर रहा है तो ये सब कहने की क्या जरूरत थी? तुम लोगों को उसकी लाइफ की पड़ी है और मेरे लिए उसकी खुशी। अच्छा वो अपना सुरेश घर पर आजकल क्यों नहीं आता? आपने खुद उसे डांट कर भगा दिया, फिर वो घर पर कैसे आएगा? अरे वासु सुरेश को फोन करके उसे आने बोलो। ठीक है पापा। देखो ऐसे जा रही जैसे एहसान कर रही हो। वासु जो करता है वो गलत नहीं है। पापा क्या हुआ? मुझे एक नया फोन खरीद के दो। लेकिन बेटी तेरे फोन को क्या हुआ? क्यों मजाक उड़ा रहे हैं मेरा? वासु को मारने के चक्कर में मेरा फोन तोड़ा था ना आपने, अब पूछ रहे हैं क्या हुआ फोन को? प्यार से एक एंड्रॉइड मोबाइल खरीद के दो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है गुस्सा मत हो बेटी, इस महीने टूर की फीस भर दी है ना, अगले महीने मोबाइल खरीद कर दे दूंगा। तो फिर टूर पर मैं बिना मोबाइल के जाऊँ क्या? तब तक पिताजी के मोबाइल को यूज करो। अरे बाप रे ये मोबाइल, मेरे फ्रेंड्स के सामने मेरी इज्जत की वाट लग जाएगी। मैं अपने फ्रेंड का मोबाइल यूज कर लूंगी, आप अगले महीने खरीद के दे दो। 2000 का मोबाइल तोड़ने की वजह से 10000 का चूना लग रहा है मुझे। ए, आज मेरी तरफ से ट्रीट है, जितनी चाहे उतनी। भाई इसे तब तक पिलाना जब तक ये लुढ़क ना जाए। मैं लुढ़क जाऊंगा और ये पनीर खा के मजे करेगा। क्या चाहिए बॉस? 4 देसी लेकर आओ। क्या बॉस? बेवकूफ कहीं का, जो बार में आता है वो पीने के लिए आता है, वड़ा पाव खाने के लिए नहीं आता है। स्टार्टर भी चाहिए? अरे बिना स्टार्टर के कोई पीता है क्या? जा पनीर चिल्ली लेकर आ। आज तक मैंने बार में कभी मार नहीं खाई भी ना, लगता है वो आज पूरी होने वाली है। ए भाई तू चुप नहीं बैठेगा क्या? यार सुन, इस बच्चे को 200 रुपए टिप देना। ए तू ज्यादा मत बोल, जानता हूँ दूसरों के पैसों से पीने के लिए यहाँ पर आता है। ये बड़े बाप का बेटा है तभी टिप लेने से इनकार कर रहा है। तू चुप रहना भाई,
तो जाके एक बॉटल पानी ला जा। एक बात समझ लो, फोकट में पीने वालों की मैं जरा भी इज्जत नहीं करता हूँ। इसने तो अबे कमीनो, कोई भी मेरा मजाक उड़ाए तुम लोग दांत दिखा के हंसने लगते हो। जो कोई भी मजाक का शिकार होता है वो एक ना एक दिन कामयाब होकर दिखाता है। ए, तू अपनी बकवास बंद ही कर। यहाँ अपने वासु को उसके पिता ने और 6 महीने का टाइम दे दिया। इस 6 महीने के अंदर ये अपनी होने वाली को ढूंढ के कामयाबी के कदम छुएगा। किसी तरह से मम्मी पापा को मैंने मना लिया है, उसका नाम ही पता चला है। जब मैं उसे ढूंढने निकलता हूँ तो वो मुझे कहीं मिलती ही नहीं है। भाई यार वो मुझे कब मिलेगी? अरे फील बाद में करना, पहले चीयर्स करते हैं, बाद में सब कुछ सोचेंगे। चीयर्स। चीयर्स। अरे यार वहाँ देखो एक गाड़ी आके खड़ी हुई है। तुम यहीं पर वेट करो, हम लोग थोड़ा जाकर आते हैं। जल्दी जाकर आ जाइए, मैं यहीं हूँ। चलो। हाँ? कौन है वो? अरे वो नाटक करने वाली। नाटक की करने वाली? हाँ? आज तो फुल मस्ती करेंगे, चाहे हमें जेल ही क्यों ना जाना पड़े। जब तक रघु साथ है फिकर करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम लोग देखो बस अब मैं क्या करता हूँ। मैं अभी आता हूँ। अरे अरे उसे क्यों ले रहे हो? अरे रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? क्या है? लव मैरिज? हाँ बेटी, बहुत दिनों से प्यार कर रहे थे। लड़की के घर वालों ने दूसरा लड़का देखा तो इन लोगों ने यहाँ आके शादी कर ली। ठीक से देखा ना? हाँ मैंने देखा, वासु और उस लड़की की शादी हो गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा, तू झूठ बोल रही है ना? मैं क्यों झूठ बोलूंगी, मैं सामने से देख कर आ रही हूँ। देखो कीर्ति, तुम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मत मारो, चाहे तो देवी को फोन करके पूछ लो। फोन स्विच ऑफ आ रहा है। तुमसे कैसे बात करेगी, इसलिए स्विच ऑफ कर दिया होगा उसने। जो हुआ वो भूल जाओ, अब ऐसे रोकर क्या फायदा होगा? बीते हुए बात को याद करोगी तो तुम्हारी जिंदगी खराब होगी। ये कैसे हो सकता है, वो भी मेरे साथ? देखो वो सब भूल जाओ, अपने लिए ना सही तो अपनी माँ के लिए तुम्हें शादी करनी ही होगी। तुम्हारी माँ तुम्हें लेकर कितनी दुखी रहती है पता है? उनका क्या दोष है, तुम्हारे अलावा उनका है ही कौन बोलो। अब ऐसे रो मत, चलो बाहर चलते हैं। मुझे नहीं जाना। मैं कह रही हूँ ना, चलो। ये लो इसे पहन कर रेडी हो जाओ, मैं बाहर तुम्हारी माँ से बात कर रही हूँ। वैसे अब उसकी याद दिलाने वाली कोई भी चीज है तो उसे हटा दो, समझ में आ गया? जल्दी से आ जाओ। बेटी जरा कीर्ति से पूछकर बताओगी मैं लड़के वालों से बात करूं या नहीं? चलो चलते हैं सुची। रुको, तुम्हारी माँ तुमसे कुछ पूछ रही है, जवाब दो। किसी को आने की जरूरत नहीं है, रिश्ता पक्का करने के लिए कह दो। कौन है? नमस्ते जी। अरे आइए आइए आइए, अंदर आओ, आइए बैठिए ना। एक मिनट रुकिए, मैं आप ठीक है? सुनिए जी, कीर्ति कैसी है? बहुत अरे बैठिए बैठिए बैठिए। नमस्ते, मिलकर बहुत दिन हो गए, बैठिए ना बैठिए ना। लड़की अच्छी है ना? अच्छी है। आप कैसे? मैं ठीक हूँ।
सर कौन है? मेरे भाई हैं। उस दिन घर पर आए तो मिले नहीं थे। उस दिन गांव चले गए थे। नहीं ऐसा है क्या? ऐसे अचानक आए? कुछ खास है क्या? कीर्ति का रिश्ता तय हो गया है। जरूर आइएगा। ये तो बहुत खुशी की बात है। शादी कब है? आने वाली 19 तारीख। 19 तारीख को मतलब आज 17 है, बीच में एक दिन ही बचा है। हाँ जी, अच्छा रिश्ता मिला है। दामाद जी बाहर गांव में काम करते हैं, छुट्टी पर आए हैं, इसलिए सारा इंतजाम लड़के के घर वालों पर छोड़ दिया है। बहुत अच्छा। हम चाह रहे थे कि वो हमारे घर की बहू बने। हम भी वही चाह रहे थे। जिसकी किस्मत में जो लिखा है वही होगा। हमारे हाथ में कुछ नहीं है। बच्चे कहाँ है? देवी टूर पे गई है। वासु अभी ऑफिस से नहीं लौटा। ओ ठीक है, शादी में उन्हें भी जरूर लेकर आएगा। जरूर लेकर आएंगे। ठीक है, अब हम लोग निकलते हैं। आपने कुछ खाया पिया भी नहीं? एक मिनट रुक। नहीं नहीं, रहने कुछ खाकर जाइए ना, बहुत काम बाकी है। दो दिन में शादी की पूरी तैयारी करनी है। हम चलते हैं। ठीक है। अच्छा नमस्ते। भाई 100 का पेट्रोल डालना। अच्छे से पेट्रोल डालना, नहीं तो तू मुझे जानता नहीं मैं कौन हूँ। अब बराबर डालेगा भाई। उस ओढ़नी की वजह से कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई। ये क्या बोल रहा है यार? वहाँ देख कैसे इन लोगों ने सर पर ओढ़नी बांध रखी है। इन्हें देखकर इतना कंफ्यूजन होता है कि इसमें से कौन सी लड़की खूबसूरत है और कौन सी नहीं, पता ही नहीं चलता है। भाई उस लड़की को देख के लगता है उस दिन वो जो होटल में मिली थी ना, ये वही है। अरे उनके चेहरे तो ढके हुए, तू इतना यकीन से कैसे कह सकता है? कोई आइडिया निकल रहा है? आज कैसे भी करके मुझे उस लड़की का चेहरा देखना है। तुम फिक्र मत करो, मैं हैंडल करता हूँ। यही रुको, मैं आता हूँ। अरे कमीने वासु, ये मुझे कहाँ फंसा दिया? ये तो पूरी भूतनी लग रही है। अरे ये तो मुझे छोड़ के भाग गया। ए, मेरे चेहरे से कपड़ा क्यों उतारा तूने? हाँ, तुम कौन सी मिस यूनिवर्स हो? फिल्मों में भूत भगाने वाली तांत्रिक जैसी लग रही हो और इतना अकड़ के मेरे साथ जबान लड़ा रही हो। मेरा चेहरा तुझे इतना बुरा लगता है? अब देख तेरा क्या हाल करती हूँ। अरे बाप रे। हेलो, तुम मेरा पीछा कर रहे हो? हाँ क्या है? मुझसे गलती हो गई, सॉरी सॉरी। अरे बाप रे, वो लड़की मुझे टॉर्चर कर रही है। ए वासु, उठो, कितना टाइम हो गया है, जल्दी उठो। क्या हुआ माँ? सब कीर्ति की शादी में जा रहे हैं, चलो। आप लोग जाइए, मैं आता हूँ। ठीक है, हम लोग निकल रहे हैं, घर पे अच्छे से ताला लगा कर आना। अब उठ जाओ। ये लोग भी ना। माँ, माँ,
ए, तैयार हो गया क्या? कहाँ जाना है? अरे कैसा कहाँ, कीर्ति की शादी में जाना, तुझे पता नहीं है क्या? अरे ऐश्वर्य मंडप में है ना, आता हूँ। ठीक है, आते वक्त रघु को भी लाना। ठीक है। हाँ सामने थी और मैं उसे यहां वहां ढूंढ रहा था। वो मुझसे बात कर रही थी, मैंने उसे पलट कर भी नहीं देखा। ये सब क्या हो रहा है? क्या बताऊं? जिसे मैं ढूंढ रहा था वो यही है। ये क्या बोल रहा है, पागल हो गया है? मैंने कितनी बार समझाया, उससे मिल, उससे बातें कर, फोटो भी नहीं देखी ना तूने? अरे सुन, 9:30 बजे शादी है और 20 मिनट बाकी है। मंगलसूत्र पहनाने से पहले पहुंचना होगा। उस शादी को मैं रोकती हूँ, तू सिर्फ वहाँ आ जाना, वही काफी है, बाकी मुझ पर छोड़ दे। जल्दी आ। शादी के मंडप तक पहुँचने का कोई शॉर्टकट रास्ता है क्या? है। तो उठ जल्दी कर, चल। ए, जिसने हमें मारा था देखो वो जा रहा है, उसका पीछा करो, जल्दी करो। उस दिन इस अकेले आदमी ने हम सब की पिटाई कर दी थी और आज इसने हाथ भी नहीं उठाया। जब तुम लोग इसे जानवरों की तरह मार रहे थे तब भी ये बिना कुछ बोले चुपचाप मार खाता रहा। अजीब बात है, लगता है कि इसका ध्यान यहाँ नहीं है, कहीं और ही है। ये बस लाश बनकर यहाँ पे खड़ा है। हमने बहुत बुरे काम किए हैं, आज एक नेक काम करते हैं।
तुम जाओ बहन। ए, इस मैटर को यहीं पे खत्म करते हैं। इन दोनों को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। वासु, चलो। ए, इसकी बाइक उठा कर दे। चलो वासु। चलो। जल्दी चलो। आओ। दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है ना? हाँ, बहुत अच्छी लग रही है। एकदम राम सीता की जोड़ी है। सब कुछ खत्म हो गया। उन सब की वजह सिर्फ तू है। अब क्या करेंगे हम? छोड़, चलते हैं। चला, आना। जल्दी करना, आ। हे, अरे, जल्दी चल। अरे आंटी, केतु कहाँ है? यही है बेटी। उनकी ही शादी। मैं क्या समझाऊँ बेटी? लो आ गई, खुद ही पूछ लो। तुम्हारे भाई को क्या हुआ है? मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? वो क्या है ना, इतने दिनों से जिससे प्यार करता था वो कौन है पता है? कौन है? आप ही हो। क्या? मैं हूँ? हाँ, इसने सिर्फ आपको दो बार देखा है। जब से देखा है तब से पागलों की तरह ढूंढ रहा है। इन सब की वजह आप हो। पब्लिक में है हम। अरे इसे पागल पागल कहकर तुम खुद पागल बन गई। मैंने क्या किया? तुमने क्या किया? मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, उनसे बात करना चाहती हूँ, कहा था ना, पर तुमने ही मुझे मना कर दिया। बात सुने बिना ही प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसा कहकर मुझे मना कर दिया। अगर तुमने ऐसा नहीं किया होता तो मामला यहाँ तक पहुँचता ही नहीं। वो आपको ही ढूंढ रहा था, मैं ये कैसे जानती? क्या बात है, अब खुश हो ना वासु? क्या चल रहा है? अरे ये कपड़ा क्यों गंदा है? किसी से झगड़ा किया था? ऐसा कुछ नहीं है माँ। ऐसा कुछ नहीं है माँ, रास्ते में गाय आ रही थी इसलिए हम गिर गए थे बस। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये कैसी बातें कर रहा है बेटी, इसने बात कर ली ना? हाँ बिना अंकल। माँ, ये इतने दिनों से किस लड़की को ढूंढ रहा था पता है? किसको? इनको ही ढूंढ रहा था। क्या? हमें बताया नहीं और हमें इतनी तकलीफ दे दी। कैसा लड़का है तू? भागी अपने बेटे को बिना दाढ़ी के देख पाऊंगी? अब मुझे बहुत खुशी हो रही है। ठीक है, अब बस करो। वैसे शादी आपकी है ना, फिर ये सब कैसे? अरे बात ये है। क्या हुआ बेटी, क्या रो रही है? क्या बात है, बता तो बेटी, क्या हुआ? मुझे शादी नहीं करनी है। रो मत, कल शादी है और आज कह रही है कि शादी नहीं करनी। क्यों बेटा, तुझसे पूछ कर ही सारा इंतजाम किया। प्लीज माँ। कहीं तू किसी से प्यार तो नहीं करती? बोल बेटी। मुझसे कुछ मत पूछो माँ, प्लीज। मुझे बस ये शादी नहीं करनी है, और अगर तुम जबरदस्ती करोगी तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। ये तूने कैसे सोच लिया? तू चिंता मत कर बेटी, तेरी माँ तेरे खिलाफ नहीं जाएगी, समझ रही है ना? तू जैसा कहेगी वैसा ही होगा, मैं तेरी बात नहीं टालूंगी, ठीक है ना? हाँ, चल अपने आंसू पोछ ले। सुजाता, कहाँ है वो? कमरे में है। क्या हुआ? मुझे ये शादी नहीं करनी है। तुम जो ये सब कर रही हो ये तुम्हें ठीक लग रहा है क्या? मुझे फिलहाल शादी नहीं करनी है। इतने दिनों तक मेरे दिल में कोई और बसा हुआ था, उससे इस तरह अचानक भूलकर किसी और से शादी कैसे कर सकती हूँ? तुमसे पूछ कर ही ये सब किया गया ना? मैंने पहले ही कह दिया है, अब मुझसे नहीं हो रहा है, समझने की कोशिश करना। तू बेकार में उसके बारे में सोच रही हो। देख वो खुशी खुशी अपनी बीवी के साथ आ रहा है। यहाँ क्या हुआ?
मुझे क्यों मार रही है? ये वासु है, ऐसा किसने कहा तुझसे? तू नहीं बताया था ना? तेरी नजर धोखा खा गई, इसकी जिम्मेदार मैं नहीं हो सकती। तुझे कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है, अब तुझे ये शादी को रोकना होगा। मुझे ये शादी नहीं करनी। मैं कैसे रोक सकती हूँ? तूने ही शुरू किया था ना, अब तू ही इसे खत्म करेगी। कीर्ति प्लीज, मुझसे ये नहीं होगा। ठीक है, उसका नंबर दे। अगर आपने हाँ की तो कल ये शादी होगी। वो कैसे? मुझे आप पसंद करते हो। ये आप क्या बोल रही हैं? आप मुझे बहुत पसंद हैं। अगर आप हाँ कहेंगे तो मैं अपने घर वालों से बात करूंगी। आपकी फ्रेंडशिप कैसी है ये मैं नहीं जानता, लेकिन फ्रेंड की खातिर आप खुद को चोट पहुंचा रही हो, तो क्यों ना मैं आपकी दोस्त के लिए आपसे शादी कर लूं? अगर आपकी फैमिली को मंजूर है तो मुझे मंजूर है। रघु भाई, जल्दी नीचे आओ। ये किसने बुला रहा है? अरे क्या हुआ बोल। अरे वो चाय वाले के साथ कुछ लफड़ा किया था ना आपने, वो आपको मारने के लिए आ रहा है। तू जा यहाँ से, उनको जाकर कहो कि मैं माफी मांगूंगा। सबसे माफी मांगो बस। अरे जा ना, बोल रहा हूँ ना। डरपोक कहेंगे, बस माफी मांगते रहो।